वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं माय सोलमेट का। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिमी और मास्टर मो ने अपने प्लान के थ्रू विंग को उसी के घर पे भेज दिया था। अब आगे विंग जब इस घर में आता है, उस बड़ी सी तस्वीर को देख के अपनी सोच में गुम हो जाता है। कहाँ उसने उस हिस्टोरिकल वर्ल्ड में अपने उस वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ही पल बिताए थे। और यहाँ विंग को इतनी स्माइल करते हुए इस फोटो में देख के उसके मन में खुशी होती है कि इस विंग को के साथ इसके पेरेंट्स थे। ये कोई एक अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं था, इसके पेरेंट्स इसे प्यार करते थे, विंग महसूस कर सकता है, क्योंकि इस पूरे घर में विंग की फ़ोटोज, विंग की फेवरेट चीज़ें हैं, विंग की वो बांसुरी जो उसके पास उसके मतलब एक तरह से हिस्टोरिकल टाइम पे भी उसके साथ ही वो ऐसी ही सेम ब्लैक कलर की बांसुरी इस फ्रेम के बिल्कुल नीचे जो एक तरीके से यूनिट होती है उस यूनिट के ऊपर बड़े प्यार से रखी गई है। विंग अपने आप को रोक नहीं पाता उस बांसुरी को टच करने से। विंग उस बांसुरी को अपने हाथ में लिए हुए हैं और उस बड़े गौर से देख रहा है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है, जैसे कोई पर्सन सीढ़ी से उतर रहा है। वो तुरंत उस बांसुरी को अपने पीछे छुपा लेता है क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे चोर ना समझे किसी, क्योंकि है तो वो एक तरीके से मोशवानू की बॉडी में ही ना, तो लोग सोचेंगे कि मोशवानू किसी और के घर में जाके ये चीज़ें टच कर रहा है। इसे बेचारा घबरा के तुरंत उस बांसुरी को अपनी पैंट में लगा कि मतलब अपनी पैंट के अंदर डाल देता है। जब वो देखता है कि जिस पर्सन के पैरों की आवाज़ें आ रही थी चलने की, उस पर्सन की तरफ जब विंग मुड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं चांसा सरन है। चांसा सरन यानी विंग की मदर, वो मदर जिनके साथ वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कुछ ही समय बिता सक पाया था। आज उन्हें अपनी आंखों के सामने जिंदा देख के विंग की आंखें में आंसू आ गए। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, उसके मन में इतनी सारी फीलिंग्स आ रही है। उसका मन कर रहा है कि वो दौड़ के जाए और उन्हें गले लगा दे और मदर बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि ये उसी की मदर है। हाँ, दूसरे वर्ल्ड में है पर है ये उसी की मदर। विंग अपने आप को बहुत मुश्किल से फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, अपने आंसुओं को रुकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा कि वो इस समय कैसे रिएक्ट करे। बस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करे स्ट्रांगली वो वहाँ खड़ा हुआ था। लेकिन दूसरा पर्सन जो सीढ़ियों से उतरा था, वो विंग को देख के अपने इमोशन बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। वो विंग को देखते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। वो पाउशा सरन थी, सॉरी चांसा सरन थी। चांसा सरन चीखते हुए बोलते, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरे बेटे की फोटो के आगे तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे के मर्डरर, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? बोलते हुए चांसा सरन बहुत ज़ोर से गुस्से में सीढ़ियों से उतरने लगती है। वो इतने गुस्से में है कि वो ध्यान भी नहीं देती कि उनका पैर स्लिप हो गया है और वो धड़ाम करके अब कुछ स्टेयर से गोल गोल करके नीचे गिर जाती है। चांसा सरन को इस तरीके से गिरते हुए देख के, या ये कह दे अपनी मदर को ऐसे गिरते हुए देख के, विंग अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और दौड़ के उन्हें गोद में ले लेता है और उनका सर से ब्लडिंग हो रही है उस ब्लडिंग को रोकने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी पॉकेट से हैंकी निकाल के उनके माथे पे बांधने की कोशिश कर रहा है और जोर जोर से कोई है हेल्प हेल्प करके चीखता है। उसकी चीखें सुन के कुछ सर्वेंट जो उस घर में काम करते हैं और एक रूम मतलब नीचे स्टडी रूम में काम करने वाले भी चांद से भी बाहर आते हैं। जब वो देखते हैं कि मोशवानी की गोद में उनकी वाइफ है और उसके माथे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और साथ में इस सिचुएशन को देख के वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वही सर्वेंट जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। विंग और वी चांद से इस समय चांसा सरन को लेके तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं और वहाँ पे उनको एडमिट करवा देते हैं। चांसा सरन का एक तरह से विंग की मदर का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं उसके फादर बाहर बैठे हुए हैं अपना सर पकड़े हुए, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। विंग अपने फादर को भी देख के बहुत ज़्यादा इमोशन है। पहली बात तो वो इमोशनल हो रहा है अपनी मदर की इस हालत को देख के। इतने टाइम बाद उसे उसकी मदर मिली, कुछ पल भी नहीं बिता पाया, कुछ सेकेंड्स में उन्हें बात भी नहीं कर पाया, उससे पहले ही उनके साथ ये सब हो गया। विंग के मन की तो शायद ही कोई समझ पाएगा, वो बच्चा जो पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के लिए तरसा हो, उसके सामने उसके माँ बाप भी आएँ और वो माँ बाप उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखें तो कैसा महसूस होता है। वैस इस समय बेचारे विंग को बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। विंग के पास हिम्मत जो है वो थोड़ी सी उसी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए अपने दड़खड़ाते हुए कदमों से वी चांसे के पास जाके उनके कंधे पे हाथ रखता है। वी चांसे अब गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और एकदम
एकदम से अपनी जगह से उठ के उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम क्या चाहते हो मुझसे? पहले मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मेरी वाइफ की ये हालत कर दी। तुम मेरे घर में कर क्या रहे थे? तुम्हें अच्छे से पता है मैंने और मेरी वाइफ ने तुम्हें चीख चीख के बोला था कि तुम हम दोनों की नज़रों के आगे कभी मत आना। तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें कितनी रिक्वेस्ट की थी कि भूल कर भी मेरी वाइफ के नज़रों के आगे मत आना। तुम्हारी वजह से 8 साल से मेरी वाइफ डिप्रेशन में है। मेरे बच्चे को मुझसे छीन के उसे तुमने इस डिप्रेशन में डाल दिया। रोज़ रात में वो अभी भी विंक के लिए चीखती है, चिल्लाती है। पूरा दिन वो विंक का फेवरेट खाना बनाती रहती है, पूरा दिन विंक की फेवरेट चीज़ें करती रहती है। विंक की फ़ोन का पे दिन में 10 बार फ़ोन करती है कि कभी तो विंक वो कॉल उठाएगा। मेरे बच्चे की यादों में तड़प रही है मेरी वाइफ, और तुम उसके सामने आ गए। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है तुम उसे तुम्हें देखते ही वो कितना परेशान हो जाती है, कितने इमोशनली वीक फील करती है, अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाती है। तुम्हें सब पता है क्योंकि कई बार उसके इस तरीके से तुम्हारे सामने पैनिक अटैक आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जान पूछ के हम दोनों के आगे आ जाते हो। क्यों आज करते हो तुम ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा? कह के वी चांद से उस विंक को पकड़े पकड़े अब जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। विंक अपने पेरेंट्स की हालत देख के मन में बहुत दर्द हो रहा है। विंक को पता है एक बच्चे का अपने मतलब एक कम उम्र में किसी पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे की डेथ देखना कितनी बड़ी बात होती है। उनका बच्चा तो कितना यंग था कि जब उसके साथ ये सब हुआ। खुद जानता है मतलब इस समय विंक की क्या हालत होगी उस पेरेंट्स की और ख़ासकर उसके पेरेंट्स की। वी चांसे की हालत देखे विंक ना चाहते हुए भी घुटनों पर बैठ जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। वी चांसे के लिए ये चीज़ बहुत शौक थी क्योंकि आज से पहले मोशवान ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन विंक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बिल्कुल नहीं सोचता कौन क्या कह रहा है या क्या बोलेगा या कैसे रिएक्शन मिलेंगे अब उसे। उसका मन तो बस इस समय अपने फादर को एक कंसोल करने का कर रहा है, अपने फादर को शांत करने का कर रहा है। अपने फादर को इस हालत में कैसे देखे वो, इसी कारण वो ना चाहते हुए भी वी चांसे को अपने से गले से लगा लेता है और उनकी कमर को सहलाने लगता है। अब बोलने लगता है, प्लीज़ आप मत रोइए, आप ऐसे परेशान मत होइए, मदर ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो स्टेज से गिरी थी लेकिन मैंने देखा था उनका सर ज़्यादा जोर से हिट नहीं हुआ था, वो ठीक हो जाएंगी, उन्हें ज़्यादा गहरी चोट नहीं आएगी। मैं बता रही हूँ वो ठीक हो जाएंगी, आप प्लीज़ रोइए मत, प्लीज़ आप रोइए मत। वीं भी रोते रोते उन्हें शांत करने लगते हैं। आज विंक के इस हक में, विंक की इस आवाज़ में, या ये कह दे मोशानी के इस हक और मोशानी की इस आवाज़ में पता नहीं क्यों वी चांसे के मन को बहुत शांति से दी, जैसे कि ये हक, ये गले लगना उनके मन के उसके दर्द को जो वो फील कर रहे हैं उसे किसी ने प्यारा सा मरहम लगा दिया। ऐसा महसूस हो रहा है, उन्हें नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस समय ये विंक का मतलब ये मोशानु का उन्हें गले लगाना, उनकी कमर को सहलाना, प्यार से उनसे ये कहना कि अब मदर ठीक हो जाएंगी, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे उनका विंग ही उनसे ये कह रहा है? और क्यों मोशानु उनकी वाइफ को मदर कह रहा है? उन्हें कुछ समझ नहीं पा रहा। इससे पहले वी चांद से कुछ कह पाते या विंग से अपने आप को अलग कर पाते, किसी इंसान ने ज़ोर से विंग को पीछे से खींचा और धड़ाम करके फ्लोर की तरफ धक्का दे दिया। जब विंग ने उस पर्सन को देखा तो विंग की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। लंजा गुस्से में विंग की तरफ घूरता है और अपने कदम आगे करते हुए उसे कॉलर से पकड़ के जोर से दीवार पर पिन कर देता है और जोर से उसकी आंखों में गुस्से में मतलब आंखों में गुस्सा भरे हुए विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे विंग के घर तक पहुंच गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी भी विंग के पेरेंट्स के नज़रों के आगे मत आना, उसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जान पूछ के उनके घर ही चले गए। और ये बात बोलने के बाद वांगजी बहुत ज़ोर से विंग को दोबारा से दीवार में विंग जैसे थोड़ा सा आगे होने की कोशिश करता है तो धक्का देकर दोबारा, जिसके कारण विंग का सर बहुत ज़ोर से दीवार में भी लगता है। विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वांगजी बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनता बल्कि कस के उसका मतलब फेस पकड़ लेता है, उतनी कस के पकड़ता है कि विंग से कुछ बोला नहीं जाता। अब गुस्से में आँखों में बिल्कुल आग लिए हुए मतलब विंग की तरफ या ये कह दे मोशानी की तरफ देखते हुए वांगजी बोलता है, आज तक मैं कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ वो ना करूं, लेकिन मुझे लगता है तुम उसी के लायक हो। तुमने आज मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी पे वार किया है,
तुमने वीन के पेरेंट्स को हर्ट किया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके लिए माफ कर दूंगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं तुम्हें वो पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी में कभी भी दोबारा वीन के पेरेंट्स के आसपास भी नहीं दिखोगे। और ये बात बोलने के बाद वांगी वीन को जोर घटी से खींचते हुए, यही कहते जोर से खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वीन बोलता रह जाता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरी बात सुनो। लेकिन वांग जी की आंखों पे तो जैसे समय गुस्से और नफरत की पट्टी बंधी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मोशवानू कितना चीख रहा है या कितना चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने खुद मोशवानू को ये चीज़ क्लियरली समझाई थी और उसके बावजूद मोशवानू ने ये गलती करी है, उसके विंग के पेरेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की है। उसके विंग की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन उसके पेरेंट्स को इस तरीके से हर्ट करेगा वो, तो क्या वांग जी उसे माफ़ कर सक देगा? ये ऐसा कभी नहीं होगा। वीन यानी मोशवानू की को ले खींचते हुए वांग जी एक डार्क रूम में आते हैं। ये रूम उसी के लैंड मेंशन के पीछे एक छोटा सा कॉटेज है जो स्पेशली मोशवानू के लिए ही रांग वांग जी ने बनवाया था, जहाँ वो वांग मोशवानू को टॉर्चर करता था। वो अब वांग मतलब मोशवानू को एक चेयर पे बांध देता है। उसने मोशवानू के दोनों हाथ एक लोहे के एक तरह से हैंड जिसे बोलते हैं ना हथकड़ी टाइप में बांध देता है और ऐसे ही उसके दोनों पैर बांध देते हैं। उसके बाद अब वो बिल्कुल मोशवानू के सामने खड़ा है। विंग बोलते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम गलत करो, तुम मेरी बात सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। बेचारा विंग यही बोलता रहता है, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि तुरंत वांग जी एक पास में पड़ी टक टेप से उसके फेस पे टेप लगा देता है और तुरंत एक मतलब उस चेयर की एक तरीके से पास में पड़ी हुई एक स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उस चेयर से विंग को बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। विंग समझ चुका है कि ये उसे शॉक देने वाली चेयर है, ये चेयर लोहे की है और थोड़ी थोड़ी देर में इसमें करंट पास होता है, जिसके कारण विंग की चीख निकल रही है। या वैसे तो उसके मुंह पे टीप लगा रहा है तो वो बेचारा चीख तो नहीं पा रहा है, लेकिन उसे एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो रहा है। विंग के दो तीन बार जब इसे शॉक लगता है तो वो थोड़ा सा बेहोश होकर पीछे गिर जाता है। वांग जी उस रूम से बाहर निकलता है और तुरंत कुछ लोगों को कॉल कर देता है। ये लोग कोई और नहीं, वांग जी के ही लोग हैं, उन्हें बुलाता है। अब बोलता है कि जैसे पहले ये लोग इस पर्सन को टॉर्चर करते थे, अब इन्हें दोबारा से वो टॉर्चर करें, हर थोड़ी देर में इस चिप के ऊपर पानी फेंक के इसे जगाना है और उसके बाद इसे बुरी तरह से पीटना है, इतनी बुरी तरह से पीटना है कि इसकी बॉडी में सिर्फ सांस रहे और कुछ नहीं। और ये ऑर्डर देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसा वांग जी ने कहा था, कुछ लोग उस रूम में आते हैं, वो मोशवानू को जोर से धक्का मार के उस चेयर से नीचे गिराते हैं और नॉन स्टॉप उसे पीटने लगते हैं। विंग जो मोशवानू की बॉडी में है उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो इन लोगों को रोक ले, क्योंकि उसने वैसे भी कुछ खाया नहीं था, ऊपर से इतनी बुरी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक दिए और अब उसे पीटे जा रहे हैं। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वांग जी विंग को वहाँ यही कह दे मोशवानू को उस पनिशमेंट रूम छोड़ के अब हॉस्पिटल में वापस जा रहे हैं। जब वांग जी वहाँ वापस आते हैं तो वी चांद से उसी का वेट कर रहे थे। वी चांद से एकदम से वांग जी को देख के बोलते हैं कि अब उनकी वाइफ को होश आ गया, अब उनकी वाइफ पहले से मैं बेटर हैं और थोड़ी देर में उन दोनों से मिलने के लिए उनको बुला भी रही हैं। जब मतलब वींग के फादर और वांग जी अंदर जाते हैं तो अचानक से चांद ससरन उन दोनों को देखती हैं और बोलती हैं, वींग कहाँ हैं? अचानक से ये बात सुनने के बाद वो दोनों शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब चांद ससरन बोलती, वींग कहाँ है? वींग ही था ना जिसने मुझे घर पे अपनी गोद में लिटाया था, वो वींग था, मैं फील कर सकती थी, वो मेरा विंग था, वो मुझे कह रहा था, वो रोते हुए मुझे कह रहा था कि मदर आप आँख खोलो, मदर आप आँख खोलो, मैं अपने विंग को पहचान सकती हूँ, वो मेरा विंग था, कहाँ है वो कहाँ है, मैंने मुझे पता है वो यही था। अचानक से ये बात सुनने के बाद वी चांद से और लांग वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अविंग चांद ने अपनी जगह से आगे आके तुरंत अपनी वाइफ के हाथ दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बड़े प्यार से उनके फेस को टच करते हुए बोलते हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो वहाँ नहीं था, वो विंग नहीं था, नहीं वो मेरा विंग था। एक मदर अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकती है, उसकी वो आवाज़, उसमें वो दर्द, उसके वो आंसू। हाँ मैं होश में नहीं थी, बेहोशी में थी, लेकिन फिर भी मैं पहचान सकती हूँ,
वो मेरा बच्चा था, मैं उसे पहचान सकती हूँ, वो मेरा विंग था। कहाँ है वो बाहर है क्या? वो गुस्सा होगा कि उसकी मदर उसे प्यार नहीं करने आई, उसे वेलकम नहीं करने आई। वो घर पे आया और मैं उसे पहचान नहीं पाई, वो मुझसे नाराज़ होगा, मुझे पता है। बुलाओ ना उसे अंदर, मुझे पता है जब वो मुझसे नाराज़ होता है तो ऐसे ही करता है, छुप जाता है, उसे मुझे परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। बुलाओ उसे अंदर, उसे बोलो कि मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, मैं उस पर कोई गुस्सा नहीं करूँगी, बुलाओ मेरे विंग को। अचानक से विंग को इस तरह बुलाना, विंग था सुनते हुए वांगी के मन में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, और इन दोनों को यानी लांगवांगजी को और वी चांसे को लग रहा है कि शायद दोबारा से विंग की मदर को पैनिक अटैक आए हैं। वो दोबारा से विंग को याद करके ऐसी बातें बोल रही हैं। वांगजी की तो आंखों में आंसू से आ जाते हैं। वो वांगजी जो शायद जल्दी से इमोशन शो नहीं करता था, आजकल वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग की बात कोई उससे करे तो ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू आने ही लगते हैं, जैसे अब आ रहे हैं। वो अपने आंसू पे कंट्रोल कर ही नहीं पाता है जब बात विंग की आती है, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। विंग की मदर की हालत देख के वो ना चाहते हुए भी अपने आंसू पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वहीं अब वे चांसा सैन की बिगड़ती हुई हालत देख के ना चाहते हुए वी चांसे उन्हें कंट्रोल करने के लिए बोल देते हैं, हाँ हम उन्हें बुला रहे हैं, तुम शांत हो जाओ, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, वरना फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे सर पर चोट लगी हुई है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी हेड इंजरी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल अपना बीपी मत बढ़ाओ, मैं बुलाता हूँ, मैं अभी विंग को बुलाता हूँ। अचानक से वो ये बात बोल के वह लांगवांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं लांगवांगजी ये चीज समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वहीं चांसा सरन ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा शांत होती हैं। तभी नर्स और डॉक्टर जो अभी उन्हें देखने आए थे वो भी रूम में आते हैं। वी लांगवांग जी और वी जान से बताते हैं कि वो अब दोबारा से ऐसे बिहेव कर रही हैं, तो डॉक्टर उन्हें स्लीपिंग मेडिसिन या एक तरह से इंजेक्शन देके उन्हें दोबारा से सुला देता है। अब वी जान से और लांगवांग जी उनके रूम के बाहर बैठे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब वांग जी बोलते हैं, फादर आपने क्यों बोला, आपने मदर से झूठ क्यों बोला, विंगिया नहीं है, हम कैसे बुलाएंगे, मदर को दोबारा होश आएगा तो उन्हें फिर से अटैक आएगा, आप उन्हें बोल देते कि उन्होंने इमेजिनेशन की होगी, हम उन्हें थोड़े टाइम में थोड़ा कंट्रोल कर लेते, लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला। अब वी चांद से अपनी जगह से आगे आते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम मोशवानों को बुलाओ। अचानक से मोशवानों को यहाँ बुलाने की बात सुन के वांग जी शॉकिंगली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब वी चांद से बोलते हैं, पता नहीं क्यों पर इस बार मुझे मोशवानी की बिल्कुल भी वो इंसान नहीं लगा जिसे मैं पहले मिला था, आज उसने मुझे हग किया और मेरे मन को भी लगा कि जैसे वो मेरा विंग हो, पता नहीं क्यों मोशवानी अब वो पहले वाला मोशवानी नहीं था, आज वो कोई और ही था, तुम्हें पता है वो ही था जब तुम्हारे मदर के साथ ये सब हुआ था, उसने अपने मतलब तुम्हारी मदर का ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो इसलिए अपने हैंकी से उनको माथे पे टाई अप कर हैंकी बांध दिया था, और वो ही जब तक एम्बुलेंस नहीं आई थी उनके साथ था, वो ही था जो पूरे टाइम उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो सोए ना, वो मतलब बेहोश ना हो, इसके अलावा वो ही था जो पूरे एम्बुलेंस में उनके साथ था, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में नहीं बैठने दिया था, लेकिन शायद वो पूरे रास्ते उन्हें जो कुछ बोलते हुए उनसे बात करते हुए आया था, शायद यही कारण है कि इस समय मेरी वाइफ को गलत फहमी हो रही है कि वो विंग था, तुम उसे बुला दो, अगर उन्हें मेरी वाइफ को लग रहा है कि वो विंग ही था तो मैं अपनी वाइफ को वो फील देना चाहता हूँ, क्या पता वो जब देख ले कि वो विंग नहीं बल्कि मोशवानु था तो वो हमसे विंग के बारे में ना पूछे, एक बार तुम उसे बुला लो, एक बार उसे मैं मिलने दो अपनी मदर से, एक बार भी मोशवानु को मिलने दो। इस बात पे वांग जी गुस्से में उनसे दूर होता है और कहता है, फादर आप क्या बोल रहे हैं, आपको याद नहीं है क्या मदर कि क्या हालत हो जाती है मोशवानु को देखते ही, आप क्यों उन्हें बुलाने की बात करें, पहले से ही हम इतने परेशान हैं कि मदर विंग को देखी है, विंग से मिली है, ऐसी बातें कर रही हैं, और अब आप उनके सामने मोशवानु की लाने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मदर की तबीयत और बिगड़ जाए, वो और सीरियस हो जाए, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। आप वी चांद से अपनी बात थोड़ी सी क्लियर करते हुए बोलते हैं, मैंने कहा ना एक बार
वो खुद देख लेगी तो उसे भरोसा हो जाएगा। तुम और मैं उससे कुछ भी कहेंगे वो नहीं मानेगी। वो विंग की तरह जिद्दी है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि विंग जिद में तुम अपनी मदर पे ही गया था। तुम भी कभी विंग की जिद के आगे जीत सके थे जो मैं अपनी वाइफ की जिद के आगे जीत पाऊंगा? नहीं जीत सकते हम नहीं जीत सकते इसकी इन दोनों की जिद के आगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक बार मेरे कहने पे बुलाओ मोशानू को, जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। बस तुम मोशानू को इसी समय यहाँ लेके आओ। अब पांगी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लांश चैन को पता चला था कि विंकी मदर का एक्सीडेंट हुआ है और उस जगह मो शानू था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं विंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे बॉडी मो शानू की है लेकिन उसके अंदर सोल तो विंग की है। हो सकता है विंग अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हो, इसी कारण वो अपने घर गया हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि उनका छोटा भाई यानी वांगी पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया होगा जब मो शानू विंग के घर गया होगा। इसी कारण वो दौड़े दौड़े ऑफिस से डायरेक्ट उस पनिशमेंट रूम में ही जाते हैं और वो देखते हैं जैसा वो सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही हुआ। पनिशमेंट रूम में ही उन्हें मो शानू मिला जो उसका हाल बहुत बेहाल था। अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही हुए थे वांगजी को यहाँ से गए हुए, तो अभी तक लोग उसे पीट ही रहे थे, लेकिन हाँ वो ज़्यादा गहरे घाव नहीं थे, मतलब उन्होंने मारना ही शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ही लांश चैन वहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने उन लोगों को वहाँ से भगा दिया था ये बोल के कि वो खुद हैंडल कर लेंगे। उन्होंने फिर विंग को बड़े प्यार से साइड में एक सोफे पर बैठाया, उसके बाद वो विंग को पानी दिया और तुरंत उस पनिशमेंट रूम से लेकर मेन लैंड मेंशन में आ गए थे। आज किसी ने पनिशमेंट मतलब विंग को उस पनिशमेंट रूम से निकाल दिया, ये चीज़ उन लोगों को भी शौक लगी, यहाँ तक कि पूरे लैंड मेंशन के सर्वेंट्स को भी शौक लगा था। खुद मैडम लैंड भी शौक थी क्योंकि वो खुद जानती है कि उस पनिशमेंट रूम से सिर्फ वांगजी था जो मो शानू को निकाल सकता है, या उसके अलावा कोई और उस पनिशमेंट रूम से मो शानू को निकाल दे ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और अगर सिचैन ऐसा कर रहा है तो वो काफ़ी शौक है। मैं सिचैन तुरंत वहाँ पे आके वहाँ अपना फर्स्ट एड आके मो शानू की मेडिसिन लगाने लगता है, दवाई लगाने लगता है। ये देख कर भी मैडम काफ़ी शौक है कि क्या हो गया है लांशी चैन को, क्यों वो इतना ज़्यादा इस मोशवानी की हेल्प कर रही है, क्यों इस मोशवानी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। वो भी तो नफरत करते हैं ना मोशवानी को, जिस तरीके से मैडम लैन भी करती हैं। मैडम लैन इससे पहले गुस्से में कुछ कहती या आगे आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही शिजैन अपनी मदर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मदर प्लीज़ कुछ खाने के लिए लाइए, इसे फिर मेडिसिन भी देनी है मुझे प्लीज़। अब अचानक से मैडम लैन मतलब शिजैन को गुस्से में कुछ नहीं बोलने के अलावा तुरंत एक सर्वेंट की तरफ देखती है और बोलती है कि जल्दी से खाना लाओ, और गुस्से में शिजैन के अपोजिट जाके बैठ जाते हैं। इस समय शिजैन को अपनी मदर का गुस्सा या कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, इस समय उन्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो किसी तरह से विंग को अच्छे से फर्स्ट एड देना, विंग को मेडिसिन देना ताकि उसे थोड़ा दर्द कम हो। वहीं विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्ड है, उसका पूरा फेस स्वेल हो चुका है, यहाँ तक कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। अब शिजैन तुरंत विंग को कुछ खाने के लिए देते हैं तो मतलब विंग घबरा कांपते हुए हाथों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो शिजैन खुद उसे अपने हाथों से वो सूप पिलाने लगते हैं। ये देख के तो मैडम लैन का और खून फूक जाता है, उन्हें लग रहा है कि ये क्यों इतना केयर कर रहे हैं, वो भी इस इंसान का जो इस लायक है ही नहीं, जिसने विंग को उन सबकी लाइफ से दूर कर दिया, उस इंसान को ये क्यों केयर कर रहे हैं शिजैन। इसलिए वो गुस्से में बोलती है, तुम्हें इसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खा सकता है, ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और तुम खुद खाओ। विंग तुरंत उस बॉल लेके अपने उसी चोट वाले हाथ से ही कुछ खाने लगता है, क्योंकि उसे भी बहुत पेन हो रहा है और उसे लग रहा है कि शायद कुछ खाने से दवाई खाने से उसे बेटर लगेगा। सचमुच में शिजैन जब देखते हैं विंग ने थोड़ा सा कुछ खा लिया, वो तुरंत विंग को मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें रूम में लेके जाता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। पर इस बात पे विंग कुछ बोलता या सच कहें तो विंग का मन है पूछने का कि कैसी है उसकी मदर, क्या वो ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ बोल पाते धड़ाम करके रूम का गेट खुलता है और वो कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ा लान वांगजी था। वांगजी गुस्से में विंग को देखता है जो इस समय सोफे पे बैठा हुआ है और शिजैन उसके साथ बैठे हुए हैं, वहीं अपोजिट में उसकी मदर बैठी हुई है। इस समय अगर पुराना वांगजी होता तो सबसे पहले तो चीख के इन सबसे लड़ता कि क्यों उसे रूम से बाहर लेके आया, मतलब पनिशमेंट रूम से बाहर लेके आया, लेकिन इस समय तो वो यहाँ आया ही मोशवानी को लेने था, इसलिए वो किसी से कोई बात नहीं करता। एज यूजुअल कम बोलने वाले लांग वांगजी
ना किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना पसंद करेंगे, वो तुरंत गुस्से की में विंग की तरफ या ये कह दें मोश होने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मैं मोश वन इस तरह वांगजी को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख के उससे डरने लगा। आज सचमुच में विंग की आंखों में वांगजी के लिए डर है। उसे डर लग रहा है कि क्या दोबारा से उसे पनिशमेंट रूम में ले जाने जा रहा है। क्या करेगा इस बार? पहले शौक दिया, क्या पर इस बार उसे मारेगा दोबारा से पहले की तरह? क्या करेगा वांगजी? बेचारा विंग डर मन में यही डरते हुए डर रहा है। इस समय उसे वांगजी के अंदर एक डेविल दिख रहा है, एक ऐसा डेविल जिसे वो हर हालत में भागना चाहता है। लेकिन इससे पहले विंग या कोई कुछ रिएक्ट करता, वांगजी गुस्से में मोशवानू का कस के हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में सोफे से उठाकर अपने साथ फिर से खींचते हुए ले जाने लगता है। लेकिन इस बार शिजैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है विंग को, और वो इस तरीके से अब वांगजी को विंग के साथ गलत नहीं करने देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन वांगजी को सच पता चलेगा कि अब ये मोशवानू नहीं बल्कि विंग है, चाहे बॉडी मोशवानू की पर सोल उसके विंग की है, तो सबसे ज़्यादा पेन तो वांगजी को ही होगा जो वो कर रहा है उस बारे में सोच के। इसलिए वो तुरंत वांगजी के पास आते हैं और एकदम से वांगजी को रोकते हुए बोलते हैं, कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे? तुम्हें पहले ही इसे पनिश कर दिया है, अब इसे और ज़्यादा पनिश देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है अभी इसको थोड़े दिन पहले ही हम हॉस्पिटल से लाए थे, मैंने डॉक्टर से पूछा था, इसे एक्सीडेंट से पहले की काफ़ी सारी मेमोरी लॉस हो गई है, शायद इसे पता ही नहीं था कि वो विंग का घर है, वहाँ ये धोखे में चला गया था, इसी कारण शायद इससे ये गलती हो गई। अब तुम इसे ज़बरदस्ती कहीं मत लेके जाओ, मैंने इसके बॉस से भी बात करी थी, उन्होंने इसे वहाँ डिलीवरी के लिए भेजा था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसे पनिशमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो उसका हाथ। अब एकदम से वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बड़े शॉक हो जाता है, उसके ब्रदर इस पर्सन का साइड ले रहे हैं, क्या हो गया है पूरी दुनिया को? उधर विंग के फादर इसे अपने मिलने के लिए बुला रहे हैं और यहाँ उसका ब्रदर उस इस पर्सन को डिफेंड कर रहा है, इसके लिए पेशी दे रहा है, वांगजी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है कल क्या होगा? कि वांगजी अजब विंग को उसके पेरेंट्स के पास लेके जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे इसकी मदर और फादर? एंड हाँ, कब पता चलेगा वांगजी को कि अब मोशवानू नहीं बल्कि विंग है जो उसके साथ है? और क्या विंग के मन में जो अब वांगजी के लिए डर बैठ गया है, उसके बाद कैसे विंग वांगजी के साथ बिहेव करेगा? ये सब आप मेरे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखना। आपको कैसा लग रहा है ये फैन फिक्शन प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा, एंड आई होप आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हो। अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक्स ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।